नमस्कार, मैं मुकेश चौहान, डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। हम DEF CG पुलिस के बारे में बात कर रहे थे। पिछले वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया है कि सर हमें विस्तार पूर्वक रायपुर रेंज के बारे में बताइए, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आप लोगों ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे रायपुर रेंज को विस्तार पूर्वक बताइए करके। मैं इसमें बताने वाला हूँ कुल पद कितने हैं, फिजिकल के लिए कितने अभ्यर्थी हैं, फिजिकल कब और कहाँ होगा, महिलाओं को कितना पद मिलेगा, मेरिट लिस्ट और रायपुर रेंज का कटअप क्या होगा, ये सब आपने पूछा था। चलिए जल्दी से देखते हैं उसे हम। मैं आपको बताने वाला हूँ रायपुर रेंज के बारे में। ये हमारा छत्तीसगढ़ है। इस रेंज में ये 5 जिले आते हैं, बलौदाबाजार, महासमुंद, रायपुर, गरियाबंद और धमतरी। ठीक है, जब हम मैप में बलौदाबाजार को देखते हैं तो ये आपको बलौदाबाजार दिख रहा होगा। आगे चलते हैं तो महासमुंद आपको ये दिख रहा है। फिर हम आगे देखते हैं रायपुर, तो सबको पता है रायपुर तो सेंटर में ही है। फिर आगे चलते हैं गरियाबंद, ये कॉर्नर पे है, और लास्ट में आता है धमतरी, वो ये है। तो कुल मिला के बोला जाए तो ये पूरा एरिया जो है रायपुर रेंज के अंतर्गत आएगा, जिनमें ये 5 जिले आते हैं। अब इसको हम विस्तार पूर्वक देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, क्या कम हो रहा है, क्या ज़्यादा हो रहा है, इसमें मेरिट कैसे बनेगा, इसको समझते हैं। ध्यान दीजिए, मैं रायपुर रेंज की बात कर रहा हूँ। रायपुर के अंदर कुल पद कितने हैं तो 246 है, 246 है। ठीक है, गरियाबंद में 149 है, एक कम 150। बलौदाबाजार में 10 है, धमतरी में 59, महासमुंद में 4, और टोटल मिला के हो रहा है 468। मतलब हम बोले सकते हैं कि जो रायपुर रेंज है इसके अंदर 468 पद हैं। क्लियर इतनी बात। इसके अंदर ट्रेड वगैरह सब कुछ शामिल है, MT वगैरह शामिल है। अब आपको जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझना। कई लोगों ने जब मैं गरियाबंद का कटअप बनाया था तो आप लोगों ने मुझसे सवाल किया था, उसका जवाब मैं इस वीडियो में दे देता हूं। तो हमें देखते हैं कि परीक्षा केंद्र के अंदर जो सेंटर मिलता है हमको एग्जाम का, वो हमें दूसरे शहरों में मिल जाता है या दूसरे जिलों में मिल जाता है, हमारे घर के पास सेंटर नहीं होता। तो यहां पे क्या हुआ था, इस रेंज के अंदर रायपुर में एक सेंटर था जिसके अंदर एग्जाम देने वाले 7,017 लोग थे। इतनी बात क्लियर है। दूसरा सेंटर हमें था इस रेंज के अंदर गरियाबंद में, जिसके अंदर 9,003 लोगों ने एग्जाम देना था, 9,003 लोगों को। बाकी जो है बलौदाबाजार, धमतरी और महासमुंद, यहाँ पे कोई सेंटर नहीं दिया गया था, एग्जाम सेंटर थे ही नहीं। तो यहाँ वाला स्टूडेंट कहाँ वाला, महासमुंद वाला भी तो जाएगा यहाँ, ये भी जाएगा यहाँ, ये भी जाएगा यहाँ, और ये तो जाएगा ही जाएगा। उसी तरह ये वाला यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है और यहाँ भी जा सकता है। बात समझ रहे हैं। तो मैं जो कटअप बनाया था उसके अंदर आपको बोला था कि 9,003 लोग वहाँ पे गए हैं, तो उसका अर्थ ये है कि इस एग्ज़ाम सेंटर में, किसके, गरियाबंद के एग्ज़ाम सेंटर में यहाँ वाले लोग भी वहाँ इंक्लूड हैं। क्लियर है बात। तो जब हम टोटल देखते हैं तो कितने हो रहे हैं, 16,020। ये बात क्लियर हुई मेरे ख्याल से, समझ गए होंगे अब। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि फिजिकल के लिए हमें कहाँ बुलाया गया है और कब बुलाया गया है। तो हमारा जो फिजिकल है 4 जनवरी 2021 से 3 फरवरी 2021 तक फिजिकल के लिए लोगों को बुलाया गया है। ठीक है, वो कितने लोग हैं टोटल, तो वो है 11,674 लोग, 11,674 लोग हैं। अब यहाँ पे समझिएगा, देखिएगा, रिटर्न के अंदर बुलाए गए संख्या ज़्यादा है और फिजिकल के लिए बुलाई गई संख्या जो है कम है। तो मैं इस ज़्यादा संख्या में कम संख्या को माइनस करता हूँ तो 4,346 बच जाते हैं। मतलब 4,346 लोगों को कम बुलाया गया है फिजिकल में। तो ये जो लोग हैं 4,346 लोग एग्ज़ाम, मतलब फिजिकल देने नहीं पहुंच पाएंगे। ये कौन से लोग हैं ऐसे, ये वो लोग हैं जो मैं पिछले वीडियो में भी कहा हूं कि एक से अधिक जगह पे फॉर्म उन्होंने भरा है या एग्ज़ाम देने नहीं गए हैं, इस कारण से ये लोग यहां से माइनस हो गए हैं, उनको फिजिकल के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। क्लियर है बात। मेरे ख्याल से इतनी बात आप समझ चुके होंगे।
अगर ये बात आप समझ गए हैं तो अब आगे में जिनको भी गरियाबंद से लेके डाउट था मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे मैं बताने वाला हूं रायपुर रेंज का विस्तार पूर्वक। कुछ चीजें आप जान गए हैं और हमें कुछ चीज जानने की जरूरत है। कुल पद आपको मैं बता दिया हूं कि 468 है, 468 है, उसके बाद फिजिकल के लिए बुलाया गया 11674 है। अब अगर मैं देखूं तो हमें कितने लोगों में हर एक इंडिविजुअल को मुकाबला करना है, तो वो निकल के आता है 25 लोग। हर 25 में मुझे अपनी जगह बनानी है। बात समझ रहे हैं? ओवरऑल हम जब इसको देखते हैं तो हर 25 में हमें अपनी जगह बना लेनी है। ठीक है, चलो और देखते हैं। मैंने पहले ही बता दिया है कि 22 फरवरी 2021 को क्या होगा, आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, आ जाएगा। ठीक है, जो कि नोटिफिकेशन में लिखा है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। महिलाओं के लिए 10% है इसमें रिजर्व सीट। आगे चलते हैं। अब बात आती है कि फिजिकल कहां होगा, तो फिजिकल होगा, मैं बोल दिया हूं कि 4 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक होगा। और फिजिकल होगा कहां पे, तो 4th CF बटालियन माना रायपुर में, जिसका मैं आपको व्यू दिखा देता हूं। ये है व्यू, ये एयरपोर्ट रोड है और आपका फिजिकल यहां होना है। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ओके, अगर आप उसका गेट देखना चाहते हैं तो ये है उसका गेट। यहां पे कौन कौन लोग अपना फिजिकल देने जाएंगे, जैसे कि आपको पता है 5 जिले का है, रायपुर, बलौदा बजाज, गरियाबंद, धमतरी और महासमुंद। ये 5 जिले के लोगों का फिजिकल इस ग्राउंड में होगा, ये बताया गया है। ठीक है, ओके। अब बात हम कर रहे हैं कटअप का, तो मैं जो आपको रायपुर रेंज का कटअप बता रहा हूँ, इसमें ये 5 जिले शामिल हैं। अलग रायपुर का नहीं बता रहा हूँ, ओवरऑल 5 जिलों का बता रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे हिसाब से है, ध्यान रखना अनुमानित है, फिक्स नहीं है। मुझे जो लगता है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कटअप दे रहा हूँ, आमतौर पर सही ही होता है। एक और बात इसको पहले बता दूं मैं, जनरल को 133 से 138, ओबीसी को 127 से 132, एससी को 123 से 126 और एसटी को 119 से 122। एक और बात, कई लोग बोल रहे हैं सर आप कोई डाटा वगैरह चेक करो, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम दिन रात इसी पे काम करते हैं। पूरे के पूरे जितने, सिर्फ छत्तीसगढ़ का ही नहीं, आप देख सकते हैं पूरे के पूरे जितने भी नोटिफिकेशन हमारे डिफेंस के काम के होते हैं, हर एक चीज़ का हम, शायद दिख रहा होगा आपको कैमरे में, हर एक चीज़ का हम डेटा रखते हैं। ऐसे ही नहीं हम आपको बोलते हैं, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। जितनी भी भर्ती से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उस सारी चीज़ पर हम मंथन करते हैं, उसके बाद कुछ चीज़ों का परिणाम तक हम आपको लेके जाते हैं और बताते हैं। ठीक है, ओके। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, अगर कई लोग नए हैं तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। अगर आपको करंट अफेयर का रिक्वायरमेंट होता है पढ़ने का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम ग्रुप पे करंट अफेयर पा सकते हैं। आप इससे खुद ब खुद जुड़ सकते हैं, आपको सर्च मारना है डिफेंस सर्विस अकेडमी भिलाई। एक बात, दूसरी बात, एक ऑनलाइन क्विज टेस्ट मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये जो है, इसमें आपको जुड़ने के लिए वीडियो के कमेंट में आपको क्या करना है, आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर और कहां से हैं आप शॉर्ट में लिख देना है, और टेलीग्राम पक्का आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है, जिसके कारण मैं आपको, जिससे मैं आपको क्या करूं, ऐड कर पाऊं। ये जो टेस्ट है, मैं आपको 1 हफ्ते का टेस्ट दे रहा हूं, 7 दिसंबर 2020 से लेकर 12 दिसंबर 2020 तक। लगभग पिछले वीडियो मेरे ख्याल से परसों से लेके, कल से लेके आज तक, अभी तक लगभग लगभग 100+ लोग जुड़ चुके हैं, और 20 से 22 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना नंबर तो दिया है, मोबाइल नंबर तो दिया है, पर क्या है, उनके पास टेलीग्राम डाउनलोड नहीं है, जिस कारण हम उसे ऐड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है,
तो जो भी नंबर देते हैं उससे पहले आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना होगा, तभी मैं आपका टेस्ट ले पाऊंगा, अन्यथा नहीं ले पाऊंगा मेरे पास नंबर होने के बावजूद भी। ठीक है, तो आपको ध्यान ये देना है कि क्या करना है। इन 22 लोगों को जो छूटे हुए हैं उनको भी हमने कमेंट कर दिया है, हमारे स्टाफ ने कमेंट कर दिया है कि भाई आप जो है टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, तभी हम आपको ऐड करेंगे। और आप ऐड हो जाएंगे तो आपको एक और चीज़ है, उसमें बेवजह का कोई मैसेज वगैरह नहीं करना है। जब समय आएगा ये आपको, उससे पहले हम इन्फॉर्म कर देंगे कि आप टेस्ट शुरू होने वाला है और आप आराम से टेस्ट को दीजिए। ठीक है, इससे आपका स्पीड बढ़ जाएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो करिए, कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको इसमें जुड़ना है। ठीक है, ओके। और लगातार वीडियो पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन है वो आपको प्रेस करना होगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे लगातार। समझ रहे बात? और आप अच्छे से तैयारी करिए, फिजिकल करते रहिए। अगर सीजी पुलिस रिलेटेड बात करूँ तो मैं, आप अपना मैक्सिमम कोशिश करिए कि मैं अपना बेस्ट दूँ, बाकी जो होगा वो ऊपर वाले के हाथ हैं, हम आपका बस थोड़ा सा सपोर्ट कर पाएंगे और थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं, बाकी हमारे हाथ में और कुछ नहीं है। ठीक है, फिर हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।